लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था थ्योरेटिकल पोर्शन था टॉर्जन का। उसमें हमने टॉर्जन की थ्योरी पढ़ी है, टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेसेस के बारे में, एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में। उसके बाद हमने जो है टॉर्जन इक्वेशन डिराइव की थी। तो आज जो है उसी टॉपिक का जो थोड़ा सा पोर्शन रहता था न्यूमेरिकल पोर्शन, एक दो न्यूमेरिकल थे हमारे, तो आज वो पढ़ेंगे। तो जो पहली हमारी पास पहला प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट है, क्या सॉलिड शाफ्ट ऑफ 150 mm डायमीटर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ टॉर्क। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड टू द शाफ्ट इज 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेयर। तो स्टेटमेंट के मुताबिक सोल्यूशन पे आए तो सबसे पहले गिवन डेटा अगर देखें तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट गिवन है 150 mm, यानी आपके पास जो डाया है शाफ्ट का वो 150 mm है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट ये हमने फाइंड करना है, और शेयर स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हो रही है मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस वो है हमारे पास 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ हमें रिक्वायर्ड है मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला है वो टा से डिनोट करते हैं हम उसे, और उसका फार्मूला है 16T/π d³। 16 कांस्टेंट है, टी आपके पास टॉर्क है, पाई डी क्यूब जो है आपके पास ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। यहाँ हमें रिक्वायर्ड है ये टॉर्क, तो ये टॉर्क फाइंड करेंगे तो ये पाई डी क्यूब यहाँ शेयरिंग स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। फिर इसमें हम वैल्यूज जब पुट करेंगे तो पाई की तो वही 3.1416 वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। टा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेयर, तो यहाँ हम 45 वैल्यू पुट करेंगे, और जो डायमीटर है वो गिवन है कि 150 mm जो है वो शाफ्ट का डाया है, तो यहाँ पे डाया का क्यूब लिया गया है तो 150 mm का क्यूब हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2982058 6 न्यूटन मिलीमीटर। तो ये टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई है न्यूटन मिलीमीटर में। अब इस वैल्यू को अगर हम न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 29,820.586 न्यूटन मीटर। तो ये आपका पहला जो है न्यूमेरिकल था, सिंपल सा था। सेकंड जो आपका न्यूमेरिकल है वो है डिटरमिन द मैक्सिमम टॉर्क डेट कैन बी अप्लाइड टू अ हॉलो सर्कुलर स्टील शाफ्ट ऑफ 100 mm आउटसाइड डायमीटर एंड एन 80 mm इनसाइड डायमीटर विदाउट एक्सीडिंग अ शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ 60 MPa और अ ट्विस्ट ऑफ 0.5 डिग्री पर मिनट यूज जी इज इक्वल टू 83 गेगा पास्कल। अब ये अगर आप न्यूमेरिकल देखें तो इसमें अगर गिवन डेटा की तरफ आए तो सबसे पहले अगर देखें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क, और हमारे पास जो सर्कुलर शाफ्ट है वो गिवन है कि हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है। तो जब हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है तो इसमें आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल डायाज आएंगे, या आउटर और इनर डायाज आएंगे। तो वो गिवन डेटा में अगर देखें तो 100 mm आउटसाइड डायमीटर है और 80 mm जो है वो हमारे पास इनसाइड डायमीटर है। अब यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं कि अगर आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो 60 MPa से एक्सीड ना करे तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क जो है वो कितनी अप्लाई होगी, और एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो 0.5 डिग्री से एक्सीड ना करे तो हमारे पास जो है मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस होगी। यूज जी इज इक्वल टू 83 गेगा पास्कल, ये जी आपके पास जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहली कंडीशन पे आते हैं कि बेस्ड ऑन मैक्सिमम अलाउेबल शेयरिंग स्ट्रेस। तो बेस्ड ऑन मैक्सिमम अलाउेबल शेयरिंग स्ट्रेस हमारे पास जो फॉर्मूला है मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस का, तो टॉ मैक्सिमम जो है वो 16TD/π d, कैपिटल डी पावर 4 - d पावर 4। यहाँ पे ये टी जो है आपके पास टॉर्क है, डी जो है आउटसाइड आया है कैपिटल डी, और स्मॉल डी जो है आपके पास इनसाइड आया है, और टॉ मैक्सिमम मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस है। तो जिन जिन की वैल्यूज आपके पास गिवन है स्टेटमेंट में वो आप पुट करेंगे, तो टॉ मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है 60 MPa, उसकी जगह हम 60 पुट कर देंगे। 16 टी हमने फाइंड करना है तो ये अपनी जगह पे रह जाएगा, कैपिटल
कैपिटल डी जो है वो हमारे पास आउटसाइड डाया होता है वो गिवन है 100 mm, तो उसकी जगह 100 आ गया। फिर पाए है, फिर आपके पास कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4, तो ये आपके पास 100 पावर 4 माइनस 80 पावर 4, यानी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी पावर 4। ये वैल्यूज जब पुट करेंगे, अब हमें रिक्वायर्ड है टी, तो यहाँ से जब हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 6995486.14 न्यूटन मिलीमीटर में। तो ये वैल्यू हमारे पास न्यूटन मिलीमीटर में है। अब अगर इसको हम न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6955.5 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर में। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है तो वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो हमारे पास 0.5 डिग्री पर मीटर, ठीक है। तो ये कंडीशन हो तो हमारे पास कितनी टॉर्क होगी, तो बेस्ड ऑन मैक्सिमम अलाउबल एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो थीटा हमारे पास, हमें फार्मूला हमारे पास जो एंगल ऑफ ट्विस्ट का है वो है थीटा इज इक्वल टू टी एल डिवाइडेड बाई जी जी। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट है, टी जो है वो टॉर्क है, एल जो है वो लेंथ है, जे हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जी जो है वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो एंगल गिवन था, डिग्री में गिवन था, और आप जब हम पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल पोर्शन इसका, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो हमने कहा था कि वो हमारे पास रेडियंस में होता है। तो यहाँ पे ये डिग्री में गिवन है, तो इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5/180 डिग्री, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। जब ये रेडियंस में यहाँ कन्वर्ट हो गया, उसके बाद अगर आप देखें तो इक्वल का साइन है, फिर हमारे पास टी है जो कि टॉर्क है, हमने फाइंड करना है। लेंथ हमारे पास 1000 मीटर है, क्योंकि एंगल आपका अगर देखें 0.5 डिग्री पर मीटर, तो वो आपके पास क्या है कि 1 मीटर है। तो हम यहाँ पे मिलीमीटर्स में जो है जितनी भी यूनिट्स हैं वो मिलीमीटर्स में है, तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर आपके पास आ गया। जे जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हॉलो के केस में आपके पास जे जो है वो पाई बाय 32 कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 होता है। तो आपके पास पाई बाय 32 अपनी जगह पे आ गया, कैपिटल डी की वैल्यू 100 थी वो आपने 100 पुट कर दी, और जो स्मॉल डी था इनसाइड आया वो आपके पास 80 था, तो वो आपने 80 वैल्यू पुट कर दी। साथ में फिर जी की वैल्यू है, तो जी हमारे पास 83 जेगा पास्कल था, तो उसको हमने क्या करना है, मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास बाकी सारी यूनिट जो है वो न्यूटन या न्यूटन मिलीमीटर में है। तो ये इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 83,000 मेगा पास्कल आ जाएगा। यहाँ से ये टॉर्क की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो 4198282.97 न्यूटन मिलीमीटर में आ जाएगी। अब इसे अगर हम न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन मीटर में। तो ये टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4198.28 न्यूटन मीटर। तो ये जो है आपके पास बेस्ड ऑन अलाउएबल एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो अलाउएबल एंगल ऑफ ट्विस्ट था तो उसके मुताबिक अगर हमारे पास जो टॉर्क यहाँ पे अप्लाई होगी तो वो इतनी टॉर्क अप्लाई होगी। ये था आपका आज का जो पोर्शन लेक्चर का, न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू टॉर्जन। इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ